हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरा नाम है अहमद। और आज जिस वीडियो पे मैं रिएक्ट करने लगा हूँ वो है मन्नत मुराद का। एपिसोड 2 के बेस्ट सीन पे रिएक्ट करने लगा हूँ, जो कि आप लोगों ने बहुत डिमांड भी की थी कि मन्नत मुराद के ऑल एपिसोड्स पे रिएक्ट किया जाए। तो आज एपिसोड 2 के बेस्ट सीन पे रिएक्ट करने लगा हूँ। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को एंड तक देखना और लाइक और सब्सक्राइब का बटन लास्ट में दबा देना। साथ ही साथ बताता चलूँ यार कि ओरिजिनल वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से जाके भी देख सकते हो। तो अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर आपको अपना रिएक्शन देते हैं। सो हियर वी स्टार्ट। तो समझ में नहीं आता अपने घर में क्यों नहीं खा के आता है, और इसके अंडे में इतनी मिर्चें डालूंगी ना कि कानों से धुआं निकल आएगा। अभी भी छोड़े इतनी मिर्च। मम्मा आ गए, मम्मा आ गए। आपकी शादी कब होगी? ओए बच्चे, ऐसी बातें नहीं करते, चलो। ठीक तो कह रही है बच्ची। भाई एक ही तो मामू है उसके, उसका भी तो दिल चाहता है ना कि मामू की शादी हो, अच्छे अच्छे कपड़े पहने, घर में नाच गाना हो और एक प्यारी सी मामानी आ जाए। तुम दोनों आज ये बातें करने आई हो? बातें बातें नहीं करने आए, आज हम लड़की वालों की तरफ चाय पीने जा रहे हैं। आज? हाँ तो हफ्ते में एक ही छुट्टी होती है ना तुम्हें, इन दोनों के लिए भी आज ही आने में आसानी थी, तो मैंने शमीमारा को कह दिया। चल हूं छे छेती तैयार हो जा, 3:30 बजे पहुंचना ही होते। परेशान ना हो, बड़ा अच्छा रिश्ता है। लड़की की भाभी ना फोन पे बड़े इखलाक से बात कर रही थी, बहुत पढ़े लिखे और रख रखाव वाले लोग महसूस होते हैं। आजकल लोगों की लड़कियां घरों में बैठी बैठी बूढ़ी हो रही हैं। अगर अखलाक का मुजाहरा नहीं करेंगे तो लड़कियों को ब्याहेंगे कैसे हैं? वैसे पुपो जी, ये कहाँ पढ़े लिखे लोगों में रिश्ता जोड़ने लगी हैं आप? वो बड़ी अतरी किस्म की लड़कियां होती हैं, आसानी से काबू में नहीं आती। हम लड़कियां हैं, कोई जानवर नहीं जो आसानी से काबू में आ जाए। वैसे मैंने तो ये बात महसूस की है कि ये जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, ये मासूम होते हैं। ये जो पेंडू जाहिल गमार होते हैं ना, इन्हों बहुत ही चलाकियां सोच दिया ने। जादू कीते देनी और क्या हुआ है, पर मैं भी बहुत समझदार हूं, मैंने भी लड़की इसके जोड़ की ढूंढी है। देख लेना तुसी, मेरे ते चौधरी साहब दे खानदान दे सारे लोकां ने सड़ सड़ मार जाना। कुछ समझ नहीं आ रहा, लड़की देखने जा रहे हैं कि बारात लेकर जा रहे हैं? मुझे ही नहीं लेकर जा रहे हैं, जिसका जाना सबसे ज्यादा जरूरी है। भाभी के साथ आके रहना तो मैंने है ना, अपने बच्चे भी साथ लेकर जाओ, मैं नहीं संभालूंगी इन्हें। निकी तुम चली जाओ, बच्चों का ख्याल मैं रख लूंगी, अम्मी मुझे नहीं जाना। पर तुम्हारा जाना तो सबसे ज्यादा जरूरी है, तुम लड़के की बड़ी बहन जो हो, पर तू ते अपनी डेडेटर दी मसीत हमेशा लेदे पानी होंदी है क्या नहीं? वह लोग तरह तरह के सवाल करेंगे, इससे अच्छा मैं घर में रह के बच्चों का ख्याल कर लूं, मैं अपनी डेढ़ ईट की मस्जिद में खुश हूं। अम्मी अब तो सीट भी खाली हो गई है, अब तो जाने दे। चल फिर अच्छे अच्छे दिन तैयार हो, घंटा ना लाई, पहले बहुत देर हो रही है हमें। यार अम्मी मैं नहीं बैठ सकती इतनी देर गाड़ी में। ऐसी
बहुत नखरे होते हैं लड़कियों, कसम से बहुत नखरे होते हैं। कर ली आप ही, इतनी खराब हो जाएगी सारी। ये तो बड़े मॉडल लग रहे हैं। अरे लड़की की पापी ने तो दुपट्टा भी नहीं पहना हुआ। करें चली। पैरोश्मी मारा, चांद लड़की तो फिर दुपट्टा नहीं लेती है। गारंटेड पोता चाहिए या नहीं? वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम आंटी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक। आप लोग सब ठीक हैं? आइए आइए प्लीज तशरीफ लाइए। मेरा नाम जी सबिया है, ये मेरे शौहर हैं आदिल। हमारा गारमेंट्स का बिजनेस है। कपड़ों की दुकान है आपकी? खामोश बैठी। आपसे मिलके बड़ी खुशी हुई। शमीमारा आंटी आपकी बड़ी तारीफ करती थी। थैंक यू जी, हमने भी लड़के की बहुत तारीफ सुनी है, वरना आजकल के दौर में इतना इंटेलिजेंट और शरीफ लड़का कहाँ मिलता है। जरूर आंटी की तरबियत होगी। हमें भी मन्नत के लिए एक अच्छा और शरीफ खानदान चाहिए, और हमारी कोई रिक्वायरमेंट नहीं। हम चार भाई हैं जी, एक मुल्क से बाहर होते हैं और सबसे छोटी मन्नत है। इस घर में सबीहा, मैं और बड़े भैया रहते हैं। हम तो आपके सामने और मन्नत के लिए हम लड़का ढूंढ रहे हैं। बड़े भैया ने आज तक शादी नहीं की। शादी नहीं की है? क्यों जी? दरअसल एक कार एक्सीडेंट में हमारे पेरेंट्स का इंतकाल हो गया, उसके बाद सारी जिम्मेदारियां बड़े भैया ने ही संभाली। उन्होंने ही हमें पाल पोस के बड़ा किया, बल्कि मन्नत तो उनकी फेवरेट है, उनकी गोदों में खेल के बड़ी हुई है बहुत नाज से। बस इसीलिए उन्होंने शादी नहीं की। यूं कहिए कि हमारे लिए हमारी माँ बाप जो कुछ भी समझ लें, बड़े भैया ही हैं। आदिल का छोटा भाई जी लाहौर में होता है, क्रिकेट बहुत अच्छी खेलता है। क्रिकेटर है? वाओ, बॉलर है या बैट्समैन? लड़की को तो बुलाए, कहाँ छुपा के रखा है? हम तो उसी से मिलने आए हैं ना इतनी दूर से। अरे रजिया तुम बिल्कुल फिकर ना करो, तस्वीर से ज्यादा अच्छा पाओगी इंशाल्लाह। भैया आइए, आप ही का जिक्र हो रहा था। बड़े भैया आप यहाँ आइए। भैया है आज पिंजर भाई बाहर ही है। आपको हो रहा? जी जी, ये तो बहुत यानी कि ना मजा आ रहा है इसको देखने में ना। मन्नत और मुराद को आप लोगों ने जिन्होंने सजेस्ट किया कि ये ड्रामा के हाईलाइट पे रिएक्ट किया जाए, उनका मैं बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ यार, शुक्रिया करता हूँ यार। बहुत मज़े का ड्रामा है, और जैसे कि पहले ड्रामे में पहले एपिसोड पर आपने रिएक्शन नहीं देखा तो मैं ऊपर आई बटन में इसका लिंक डाल दूँगा, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और दूसरी बात ये कि इस एपिसोड में बताया गया वो ये है कि यार देखा गया वो ये है कि रिश्ते की बहुत जल्दी होती है, लड़की जल्दी नहीं टाइम हो गया रिश्ते का। एक तो हमारे घर शादी की बातें नहीं होती, बाकी सब की शादियों की बातें हो रही हैं, शादियां हो रही हैं, हमारी पता नहीं कब आएंगी यार। अच्छा तो और ये है कि जो लड़की का भाई था और उसका जो बड़ा भाई जो अभी आखिर में देखा है उससे थोड़ी सैड वाइब आ रही है, सैड नहीं सॉरी एंग्री वाइब आ रही है, बहुत ख़तरनाक वाइब है। जैसे कि
जो दो लवर्स होते हैं उनके दरमियान में खाई कह लो या दीवार कह लो, वो दीवार यही होगी मुझे लग रहा है। मैं दिमाग कह रहे हैं, मेरे शक कह रहे हैं कि यही होगी वो दीवार। और साथ में वो एक फनी